हमीरपुर जिले में एक जिला एक उत्पाद योजना यानी ODOP को बढ़ावा देने के उद्यम समागम का आयोजन किया गया। समागम में जिलाधिकारी समेत जिले के कई छोटे बड़े व्यापारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिले की जूती उद्योग को गति प्रदान करने पर जोर दिया गया। दरअसल हमीरपुर में बनाने वाली जूतियों की देश विदेश में काफी मांग रहती है, इसलिए सरकार ने जूती उद्योग को ODOP योजना के तहत चुना गया है। जिलाधिकारी का कहना है कि इस योजना में जूती उद्योग को शामिल करने से व्यापारियों को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही हमीरपुर की जूतियों के लिए अलग मार्केट भी बनेगी, जिससे लोग आसानी से जूतियों की खरीद कर सकेंगे। आज जो उद्यम समागम और ODOP के प्रदर्शनी के साथ साथ इस कार्यक्रम को प्रारंभ भी किया गया, और इसमें पूरे जनपद के जो उद्यमी हैं, छोटे बड़े और जो हमारे लघु कुटीर उद्योग से जुड़े हुए हैं, ये सभी लोग आज यहाँ पे आए भी हैं और बहुत सारे लोग तकनीकी सेशन में भी आएंगे। ODOP के लिए जनपद में जूती उद्योग को लिया गया है, जिसके ऊपर आज विस्तृत रूप से चर्चा भी हुई, और कोशिश ये होगी कि सुमेरपुर क्षेत्र में ही एक क्षेत्र अलग से चिन्हित किया गया है इनके दुकानों के लिए, जहाँ पर एक साथ कई सारे दुकानें इनको अगर आवंटित की जाएगी तो उससे फ़ायदा लाभ ये होगा कि जो हमारे उद्यमी हैं इनको भी एक चिन्हित क्षेत्र में अपने प्रोडक्ट्स के डिस्प्ले और सेलिंग के लिए मिलेगा, और जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो जनपद के नहीं, चूँकि सुमेरपुर हाईवे पे है, तो उस हाईवे पे आने जाने वाले लोगों को भी एक स्पेसिफिक एरिया पता रहेगा कि कहाँ पर इस उत्पाद को वो ले सकते हैं। DM अभिषेक प्रकाश का कहना है कि जूती उद्योग की बिक्री बढ़ाने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक आदि का भी इस्तेमाल करेंगे, ताकि जूतियों की ऑनलाइन सेल भी हो सके। साथ ही बैंकों को निर्देशित कर दिया गया है कि वो जल्द से जल्द उद्यमियों के लोन सेंक्शन करे, ताकि व्यापारी जल्द ही उद्योग को शुरू कर सके। जो हमारे NRLM के स्वयं सहायता समूह हैं, जो हमारे अन्य कुटीर उद्योगों से उत्पाद बना रहे हैं, इन लोगों को अब हम ऑनलाइन भी इंटीग्रेट करने जा रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, ऑनलाइन वेबसाइट्स के माध्यम से, ताकि ये ऑनलाइन भी यहाँ पर इन प्रोडक्ट्स की डिलीवरी हो सके और इनको ऑनलाइन ऑर्डर्स भी मिल सके। ठीक है, अभी आर्थिक सहायता इनको नहीं मिल पाई है, बैंक सरकार है। हाँ, कतिपय उद्यमी ऐसे हैं जिनके बैंकों के माध्यम से अभी लोन सैंक्शंस नहीं हो पाए हैं कुछ प्रोसीजरल चीज़ों के कारण, और बैंकों को मैक्सिमम इन सब चीज़ों के साथ ही यही निर्देश दिया गया है कि जल्दी से जल्दी इन लोन्स को भी सैंक्शन करें, ताकि लोन्स की जो धनराशि है उसके साथ ही अपने उद्योगों को और भी बढ़ाएं। राज्य सरकार ने तो जूती उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चुना है, लेकिन इसका फायदा व्यापारियों और जूती उद्योग को कितना मिलता है ये तो वक्त ही बताएगा। पंजाब केसरी के लिए हमीरपुर से रविंद्र सिंह की रिपोर्ट।